दोस्तों, यदि आप एक YouTube क्रिएटर हैं और आप YouTube चैनल पर मिलने वाले लाइसेंस के बारे में तो जानते ही होंगे। दोस्तों, YouTube पर दो कैटेगरीज के लाइसेंस मिलते हैं, यानी जिन पर हम अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक तो होता है स्टैंडर्ड लाइसेंस और दूसरा होता है CCL यानी कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस। दोस्तों, इन दोनों लाइसेंस में क्या क्या डिफरेंस है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पर अपने कंटेंट्स अपलोड करते हैं, तो दोस्तों उनको एक ऐसा लाइसेंस वहाँ पर मिलता है जिसको उनको सिलेक्ट करना पड़ता है, चाहे वो CCL हो यानी कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस हो या यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस। तो दोस्तों, ज़्यादातर क्रिएटर्स कौन से लाइसेंस का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस। उसको अपने चैनल पर इनेबल करके यानी उसको सेट करके अपनी हर एक वीडियो के साथ आप अपने चैनल पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा होता है CCL यानी कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस। दोस्तों, दोनों में क्या डिफरेंस है वो अभी तक आपको पता लग गया होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पर कॉमन क्रिएटिव वीडियोस को अपलोड करते हैं, मतलब कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस का यूज़ करने के बाद, तो दोस्तों उनकी वीडियो को अगर कोई कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करना चाहे, तो दोस्तों आज मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा। क्या आपको वो कॉमन क्रिएटिव जो वीडियो अपलोडेड हैं पहले से ही, उनको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करनी चाहिए यानी री अपलोड करनी चाहिए अपने यूट्यूब चैनल पर के नहीं, तो उनसे आपको कॉपीराइट भी पड़ सकता है या नहीं, आपको बेनिफिट है या उसका लॉस हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप देखते हो कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस पर कोई भी वीडियो अपलोड है और उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करोगे, तो दोस्तों वो बिल्कुल इलीगल है यानी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो कंटेंट ऑलरेडी किसी का होता है, चाहे वो चैनल मोनेटाइज हो या नहीं, चाहे वो किसी भी तरह की वीडियो, क्योंकि आपने उस वीडियो को यानी उन वीडियोस को क्रिएट नहीं किया है और आपकी वो खुद की वीडियो नहीं है, इससे आपका खुद का इंप्रेशन भी ख़राब होता है और आपके यूट्यूब चैनल का भी इंप्रेशन ख़राब हो सकता है। अगर आप उनको वहाँ से डाउनलोड करने के बाद, मतलब कॉमन क्रिएटिव वीडियोस को डाउनलोड करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते हो, तो दोस्तों वो वीडियो भी रीयूज कंटेंट में आती है, यानी आपने उनको फिर से दोबारा से अगर यूज़ कर लिया तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि ये वीडियो पहले से इस प्लेटफॉर्म पर यानी यूट्यूब पर अपलोड है। तो दोस्तों, यूट्यूब का पूरा जो एल्गोरिदम सिस्टम होता है वो एकदम से उस वीडियो का पता लगा लेता है URL के कारण, यानी लिंक की तरफ से उसको पता लग जाता है कि एक वीडियो यहाँ पर जो पहली पड़ी हुई थी, इन्होंने दोबारा से उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल के अंदर यूज़ कर, यानी इसका दोबारा से इस्तेमाल कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आप उन पर एड्स लगाना यानी उन पर मोनेटाइजेशन इनेबल करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरे का कंटेंट है, आप उसको फिर से रीयूज़ कर रहे हो, चाहे वो बिना मोनेटाइजेशन के चैनल पर पड़ा हुआ हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, लेकिन आप उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों, वो बिल्कुल कानून के तहत यानी रूल के नियम के तहत वो बिल्कुल भी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। आगे आप फ्यूचर में यही ध्यान रखना। काफ़ी मेरे ऐसे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, तो दोस्तों वो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर, हमें कॉमन क्रिएटिव वीडियोस को डाउनलोड करके रीअपलोड करनी है अपने यूट्यूब चैनल पर, क्या हम ये काम कर सकते हैं? काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी ऐसी वीडियोस बना रखी है कि सर, आप यहाँ पर जाएं, वहाँ पर जाकर सेटिंग में कॉमन क्रिएटिव वीडियोस जहाँ से मैनुअली निकल के आती है उनको आप सेलेक्ट करें और वहाँ से आप उनको डाउनलोड करके रीअपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वो एक कम एक्सपीरियंस वाली बात है, यानी 3-4 साल पहले यूट्यूब पर इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। जब स्टार्टिंग में क्रिएटर्स आए तो उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। अब 2020 में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सभी को हो चुका है। अब अगर मैं उनकी बात करूं, तो दोस्तों उनको भी लगता होगा कि वो वीडियो उन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं बनाई है, मतलब फेक तरीके की एक वीडियो बना रखी है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी का भी कंटेंट यूज़ करते हो अपने यूट्यूब चैनल में, तो दोस्तों वो हर तरह से हर सूरत में रीयूज कंटेंट में ही आता है। तो दोस्तों, उसको भी पता लग जाता है जिसका वो कंटेंट है कि मेरा कंटेंट किसी ने कितने परसेंट अपने यूट्यूब चैनल पर यूज़ किया है। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर, हम कॉमन क्रिएटिव की वीडियो को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उनको भी आप स्टैंडर्ड लाइसेंस की तरह ही समझिए। जैसे कि किसी का कंटेंट डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना और अपलोड करने के बाद आपके उसी यूट्यूब चैनल पर यानी उसी वीडियो के अंदर कॉपीराइट क्लेम और यूट्यूब चैनल के अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो दोस्तों, फ्यूचर में आप ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और उनको ये बात अपने दिमाग में उतार लेनी चाहिए कि किसी का कंटेंट अगर हम यूज़ करेंगे तो वो रीयूज़ में आता है, चाहे वो YouTube स्टैंडर्ड लाइसेंस का हो या कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस का। तो दोस्तों, बस यही एक बात मैं बताने आपको इस वीडियो में आया था। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियोज लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए इतना ही, टेक केयर एंड गुड बाय।